इस भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता ने इस बार मुंह मोड़ लिया है। और आप देखिए, दक्षिण से लेकर के और पूरब तक भाजपा की क्या दुर्दशा हो रही है, उनके सभा में भीड़ नहीं जा रही है, ये सब तमाम मुद्दा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग हाथ से पंजाब जाएंगे, इसीलिए हम लोग का है कुछ भी नहीं है, क्या कुछ मिला ही नहीं है, हमारे क्षेत्र में आए नहीं है जब से जीते हैं तब से 10 साल में। इस वक्त मैं लोकसभा बासगांव में मौजूद हूं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इंडिया गठबंधन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार किन मुद्दों पर ये लोग चुनाव करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे कि भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शेषनाथ मिश्र। 24 में किधर? पंजाब। क्यों? आप तो बाबा है, भाजपा को वोट देना चाहिए। अरे देना चाहिए, जब मर्जी है, जिस मन करता है उसको दिया जाता। तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों कांग्रेस को वोट देंगे आप? कांग्रेस को दे रहा कि बदला जाएगा तो ठीक ना है। अच्छा, जैसे आप सरकार बदलना चाहते हैं कि प्रत्याशी बदलना चाहते हैं? अरे प्रत्याशी बदलना चाहते हैं ना। रमेश पासवान ने विकास नहीं किया है? कौन विकास किया है? कोई विकास नहीं किया है? कोई विकास अभी नहीं किया है। जब तक 10 वर्ष रहना, 10 वर्ष में क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किया ना। यहाँ का कोई समाचार भी नहीं लेते हैं, न आते हैं न जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पर। हाँ, यानी आप 24 में सदर प्रसाद को वोट देंगे, यानी पंजाब है? हाँ, पंजाब पर देंगे हम। आइए किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बैदुमेश प्रसाद। 24 में किधर कहाँ जाएंगे आप, किसको वोट देंगे? इस बार तो हम सदर प्रसाद को वोट देंगे। सदर प्रसाद को? कमलेश पासवान को क्यों नहीं? आज तक कभी आए ही नहीं, हमारे गाँव में कोई विकास नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सदर प्रसाद जीतेंगे तो विकास होगा? बिल्कुल होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे करें विकास होगा? हम जानते हैं ना, सदर प्रसाद को जानते हैं, अच्छे नेता हैं और हर बार कदम कदम मिलाकर चलने वाले हैं। कमलेश पासवान भी तो अच्छे नेता हैं? बिल्कुल नहीं, आज तक वो हमको हम जानते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ तक हम तो कभी बातें नहीं की, आज तक आए ही नहीं। यानी 24 में आप इंडिया गठबंधन को मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आइए आगे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुगल यादव। 24 में किधर जा रहे हैं आप? क्योंकि इसलिए हम लोग काम कुछ लोग नहीं रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग हाथ के पंजाब जाएंगे, इसीलिए हम लोग का है कुछ भी नहीं है, क्या कुछ मिला ही नहीं है। कमलेश पासवान ने विकास नहीं किया? नहीं किया, हम लोग कुछ ही मिला ही नहीं है ना। आज के बाद से इतना दिन हो गया, कभी मिले भी नहीं हम लोग को, हम लोग क्या जानेंगे उसे। आप बताइए सर। हाँ, क्या नाम है आपका? हरिलाल गौतम। 24 में किधर जा रहे हैं आप, पूर्व की तरफ की पंजाब की तरफ? पंजाब की तरफ जा रहे हैं हम। पंजाब की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जाएंगे, जो हम विकास चाहिए हमको, न पंजाब और न और अन्य पार्टियां, विकास चाहिए। विकास जब वो कोई कर ही नहीं रहा है, कमलेश पासवान जी आज तक जो है कि आते ही नहीं है, दिखाई नहीं, जितने जीत के चले जाते हैं। चुनाव आ गया तो मैदान में तो दिखाई दे रहे होंगे। अरे मैदान में क्या दिखाई देंगे वो? हाँ, एक आध बार देख, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, उनके आदमी आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। हाँ, और सदर प्रसाद जी जो है वो कदम में कदम मिला के चलने वाले एक बहुत अच्छे नेता हैं और वो गठबंधन के साथ हैं, इसलिए जो है कि हम लोग सब उनके साथ हैं। यानी आप गठबंधन को मतदान करेंगे? जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शेषनाथ यादव है। 24 में किधर जा रहे हैं आप? पंजाब। भाजपा? भाजपा हम लोग को नहीं है। कमलेश पासवान ने विकास नहीं किया? नहीं किया, हमारे क्षेत्र में आए नहीं हैं जब से जीते हैं तब से 10 साल में। कुछ भी विकास उनके द्वारा नहीं किया? नहीं किया। तो 24 में आप इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं? साथ रहेंगे। आप बताइए 24 में किधर जा रहे हैं? देखिए, 24 में हम लोग इस बार कांग्रेस को अब भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा अपनी जगह पर जो काम कर रही है उससे गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ। 5 किलो राशन तो भाजपा दे रही है? राशन से हमारा काम नहीं चलेगा। राम मंदिर बन गया, ठीक है, मंदिर बन गया, आस्था है सबके लिए, रोजी रोजगार तो नहीं मिलेगा उससे, हमको क्या मिलता, गरीबों को क्या मिलता। यानी आपको रोजगार चाहिए? बिल्कुल। तो इस बार का मतदान किन मुद्दों पे आप करेंगे? कई मुद्दे हैं, उनके हमारे भी मुद्दे हैं। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी मुद्दा लेके चल रही है, मान लीजिए
जो भी सरकारी सर्विस हैं, मान लीजिए आर्मी का है जो 4 साल का कर दिए, हमारे गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं 4 साल में क्या कर लेंगे, इस तरह बेरोजगारी की तो कर दी है। क्या नाम है आपका? राम। आप बताइए 24 में किधर जा रहा है, किन मतदान जा रहा है? कहाँ है हाथ के पंजाब जा रहा यार? नहीं कुछ करते नहीं, खाकुल तो ऐसे जाते हैं। कब वही पे नहीं कर रहे हो कमलेश पासवान भी कहाँ पे लगा रहा हूँ ना, यहाँ इनको झिरखिरिये ना लोग कहला। हाँ तो आवे ना अपने दो चार जाने बालों वो लोग से मिल मिला के चला। तो इस बार गठबंधन को आप मतदान करेंगे? गठबंधन के हाथ के पंजाब। आप बताइए 24 में कहाँ मतदान करेंगे? पंजाब पर। क्यों? पंजाब पर। आप फूल पे? फूल पर नहीं चलेंगे हम लोग, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? उमर भारती। तो यानी आप सदर प्रसाद वोट देंगे? हाँ पंजाब पर देंगे। चुनाव जीतने के बाद काजल विकास पर हेंग नहीं करेंगे? अब राम जाने जो सब करता है वही करेंगे। पंजाब हम लोग करेंगे, पंजाब मतदान करेंगे। यहाँ के और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए 24 का मतदान इंडिया गठबंधन के लिए करो या मरो का मतदान है, क्या लग रहा है चुनाव? देखिए 24 का मतदान जो इंडिया गठबंधन का है चुनाव, ये सही बात है कि करो या मरो का है। इस बार वोट पड़ेगा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता ने इस बार मुंह मोड़ लिया है। और आप देखिए दक्षिण से लेकर के और पूरब तक भाजपा की क्या दुर्दशा हो रही है, उनके सभा में भीड़ नहीं जा रही है, ये सब तमाम मुद्दा है। और ये कह रहे हैं 400 पार, तो हम लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि 400 पार लहसुन, कि 400 पार प्याज, कि 400 पार रहर की दाल, कि 400 पार सरसों का तेल। एक इनके सहयोगी हैं बिहार के जो कुद्दन बाबू कहे जाते हैं परशुराम, वो कह रहे हैं इस बार 4000 पार। तो इन्होंने लहसुन प्याज तेल का तो 400 पार का संकेत दे दिया और वो दे दिए कि इस बार गैस सिलेंडर 4000 पार। भारतीय जनता पार्टी के जुमला में अब इस बार देश की जनता आने वाली नहीं है। कल ओम प्रकाश राजभर का देवरिया में सभा था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारे सामने बच्चे हैं। देखिए ओम प्रकाश की बात मत कीजिए, ओम प्रकाश राजभर जहां देखे भात वहां चियारे दांत। ओम प्रकाश राजभर की कोई जमीर नहीं है, वह एक भारतीय जनता पार्टी के किराए पर जोकर हैं। उनको हर ड्रामा पार्टी में हर जगह भारतीय जनता पार्टी उनको जोकरी करने के लिए बुलाती है, न कि वोट मांगने के लिए बुलाती है। तो बांसगांव लोकसभा से क्या लग रहा है? बांसगांव लोकसभा इस बार इतिहास बदलेगा और सदल प्रसाद का ये अंतिम चुनाव करो या मरो का उनका चुनाव है। सदल प्रसाद चौथी बार इस बार क्षेत्र में आए हैं और इस बार हर जाति का, हर समाज के लोगों का उनको अपार सहयोग मिल रहा है। और सदल, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सदल प्रसाद चुनाव जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम नहीं भरोसा है। हम इंडिया के हैं और इंडिया पर भरोसा है, इंडिया के लोगों पर भरोसा है, सदल प्रसाद जीतेंगे। और यही नहीं, सदल प्रसाद जीतेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह जीतेंगे, रमाशंकर राजभर जीतेंगे, सैठवार पिंटू सिंह जीतेंगे। और आप अपने बगल में देखिए, बलिया से सनातन पांडे जीतने जा रहे हैं, घोसी से राजू राज, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी और आजमगढ़, हाँ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से जीतने जा रहे हैं। और साथ साथ आजमगढ़ की जो एक सीट लालगंज है और फूलपुर है, वो सारी सीटें पूर्वांचल की इस बार जीतने जा रही है इंडिया। तो कितनी सीटें जीतेगी इंडिया गठबंधन? अरे भाई हमारे नेता तो कह दिया कि एक को छोड़ करके, वो भी लड़ाई में है, बनारस वाली सीट भी कंफर्म नहीं है भाजपा की, वो लड़ाई में है। बाकी सीट हम जीत रहे हैं, गठबंधन जीत रहा है, इंडिया जीत रही है। अखिलेश यादव कहीं जा रहे हैं तो उनके समर्थक उनको देखने के लिए उनके पास पहुंच जा रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आंखों में जो उनको मोतियाबिंद हुआ है उसको हटा करके देख लें कि आखिर अखिलेश यादव के पास इतनी भीड़ क्यों हो रही है। अखिलेश यादव ने काम किया है। अब देखिए इंडिया गठबंधन, एक राजीव गांधी आप कह रहे हैं ना कि 1 जून को पंजा का बटन दबाओ, इंडिया गठबंधन को जिताओ और 1 जुलाई को खटाखट खटाखट खटाखट
8,500 रुपया आपके खाते में, देश के करोड़ों महिलाओं के खाते में चला जाएगा। 2,00,000 रुपया किसानों का कर्ज माफ होगा। अग्निवीर योजना खत्म होगी। ये 5 किलो राशन, देखिए 5 किलो राशन ये दे रहे हैं एक व्यक्ति को, और इसके पहले जो कांग्रेस चाहे एक घर में एक व्यक्ति हो और चाहे 4 व्यक्ति हो, 30 किलो राशन कांग्रेस इसी राशन कार्ड पर दे रही थी, और भारतीय जनता पार्टी उसी राशन कार्ड पर एक व्यक्ति को 5 किलो राशन दे रही है। ये राशन पर शासन करने का इनका अब दिन गया। अब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।